మెదక్ పట్టణంలోని 30వ వార్డులో రంజాన్ పండుగను పురస్కరించుకొని నిరుపేద ముస్లిం సోదరీమణులకు రంజాన్ కానుకలను మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ ఆర్ఎల్ మల్లికార్జున్ గౌడ్, కౌన్సిలర్ ఆర్ఎల్ గాయత్రి కలిసి రంజాన్ కానుకలను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మైనార్టీల సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసిందని అన్నారు. తెరాస ప్రభుత్వం కులమతాలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాల సంక్షేమానికి పాటుపడుతుందని తెలిపారు. అలాగే రాష్ట్రంలో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేసి 114,000 మందికి నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడు షాదీ ముబారక్ కింద ఇప్పటి వరకు 220,000 మందికి మైనార్టీలకు ఆర్థిక సహాయం చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అండగా నిలిచిందని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అల్లాదయ్యతో ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండి రాష్ట్రాన్ని మరింత అభివృద్ధి పదంలో నడిపించే శక్తిని ఇవ్వాలని ప్రార్థనలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెరాస నాయకులు పాల్గొన్నారు. अपना सीएम साहब केसीआर साहब को आधा शुक्रिया करता हूँ. रमज़ान के लिए जो गरीब मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए कपड़ा देने का एक सिस्टम बना दिए, बहुत खुशी की बात है. जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, ये गंगा जमुना तहजीब की तारीख है तेलंगाना. ये तेलंगाना के अंदर सभी लोग खुशी से ऐसा ईद बनाने के लिए कि अपना केसीआर साहब जो गरीब लोग कपड़े खरीदना मुझे सोचा. हर गरीब मुसलमानों भी खुशी से ये ईद मनाने के लिए आप कपड़ा का 6 साल से रमज़ान की तोहफा के इस्तेमाल किया. मैं सबके तरफ से केसीआर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ. मेरा भाई बहनों को भी ये रमज़ान की मुबारकबाद देती हूँ. और बहुत खुशी की बात क्या है, और तेलंगाना के अंदर आज ये 7 साल में जो सीएम साहब ने जो मौका दिया ये लोगा तेलंगाना के लोगा सीएम बनाने के लिए, और 7 साल 8 साल में पूरे देश के अंदर तेलंगाना को एक बेहतरीन तरीका से जो वेलफेयर स्कीम्स लगा रहे, बहुत खुशी की बात है. और माइनॉरिटी के लिए भी केसीआर साहब ने खाते थे सब ये तेलंगाना हासिल होते कुछ दो हांके के तरफ से हिंदू मुसलमानों को केसीआर साहब ने सामने लेके जा रहा है. और ये ईद के लिए और रमज़ान की इफ्तार पार्टी भी गवर्नमेंट की तरफ से तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इफ्तार की दावत लगा रहे. और मेदक बहुत आज और बहुत बड़ी बात क्या है बोले तो मेदक के अंदर कम से कम मेरे ख्याल से 6 करोड़ रुपए का जमीन का खरीद तो कम से कम 2.5 करोड़ रुपए रहता, और बाकी के 2 करोड़ रुपए का जबरदस्त शादी खाना बना के आज अपना मिनिस्टर हरीश्वर साहब के हाथों से और अपना MLA साहब पद्मा देवेंद्र रेड्डी के हाथों से आज वो शादी खाना को भी अपन इनाग्रेशन कर ले रहे. और गरीब बच्चों ने का शादी में वो अपना शादी खाना यूज़ करने को बहुत अच्छा फ़ायदा उठाने के लिए अपना केसीआर साहब ने एक मौका दिया था. मैं उसके बाद में भी आप शादी खाना जो आज शाम को जो इनाग्रेशन करने वाला है, इसीलिए मैं सब मेदक के भाई बहनों को भी माइनॉरिटी जो यूथ जो चाह रहे थे शादी खाना बनने के लिए अभी वो भी आज शाम तक पूरे कर रहे, इसलिए भी मैं वो शादी करने के लिए भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ. और आगे दिन में भी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो सबको साथ लेने वाला सिर्फ सीएम केसीआर साहब ही है, दुनिया में कोई भी नहीं है. सबकी सीएम सी अपना केसीआर साहब है. केसीआर साहब के लिए मैं हमारा बहनों लेके और भाई के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये ईद के दिन अपना सीएम साहब के लिए और अपना तेलंगाना के लिए अपने देश के लिए आप दुआ पढ़िए और अच्छा